देखिए फादर टू सन इसको लिखा एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, और एलिजाबेथ जेनिंग्स ये पोएट थे। फादर टू सन ये इसका जो जेनर है वो है पोयम है। एलिजाबेथ जेनिंग्स वाज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1926। इनका जन्म 18 जुलाई 1926 ईस्वी को हुआ था। शी वाज बॉर्न इन बोस्टन लिंकन शायर, और ये जो है लिंकन शायर के बोस्टन शहर में पैदा हुई थी। शी स्टडीड इन सेंट एनीज कॉलेज, और ये जो है सेंट एनीज के कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई। शी वॉज अ ग्रेट पोएटेस, और ये एक महान पोएटेस हैं। हर बुक्स डिस्प्लेड अ सिंप्लिसिटी ऑफ मीटर एंड राइम। और सबसे खास बात इनकी है कि जो भी किताबें लिखती थी उन किताबों में जो मीटर होता था, जो राइम होता था, जो सुर ताल लय होता था, वो बहुत ही सिंप्लिसिटी में होती थी, एक आसानी से समझने वाली चीजें होती थी। सी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, वो इस संसार को छोड़कर गई, यानी कि उनका देहावसान हुआ ऑन 26 अक्टूबर 2001 फॉरएवर टू हेवन, यानी कि हमेशा के लिए, अर्थात उनका देहावसान हुआ 26 अक्टूबर 2001 ईस्वी को, ये स्वर्ग सिधार गई। ओके, अब पोयम के बारे में इन्होंने क्या बताया है, तो देखिए द पोयम, इस पोयम जिसका नाम है फादर टू सन इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, यू नो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, क्लियर है, यानी कि ऐसे किसी पर्सन की बायोग्राफी जिसको उस पर्सन ने खुद लिखा हो। जैसे मैं अपनी बायोग्राफी बोलूं, अगर मेरे बारे में कोई और लिख रहा है तो ये बायोग्राफी होगा, लेकिन अपने बारे में मैं खुद लिखूं तो ये होगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होगा सेल्फ, क्लियर है। तो ये चीज है, ये जो पोयम फादर टू सन है ये एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, आत्मकथनात्मक कविता है। द पोएट टेल्स, यहाँ पर जो पोएट है वो बताते हैं, द डिफरेंस, अंतर बताते हैं बिटवीन हिम, उनके बीच, एंड हिज सन, और उनके बेटे के बीच, यानी कि एक पिता और उनके बेटे के बीच के डिफरेंसेज क्या क्या होते हैं, इस चीज को पोयम या जो पोएट है वो बताती हैं। दे कांट या दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, और ये जो पिता और पुत्र होते हैं ये एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। पिता अपनी बात को लेकर अडिग रहते हैं और पुत्र एक समय के बाद इनका अपना थिंकिंग बन जाता है, तो ये अपनी बात को लेकर अडिग रहते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि ये लोग, यानी कि पिता और पुत्र जो होते हैं, एक दूसरे को ये समझ नहीं सकते हैं। देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, और इन दोनों का जो मूल्य होता है, वैल्यू होता है, डिफरेंट होता है, एज इट इज जनरेशन गैप, जैसा कि उनके बीच में एक जनरेशन का गैप होता है। जैसे ऐसे सपोज करो, पिता के समय में कुछ और एजुकेशन का सिस्टम रहा होगा और आज के समय में एजुकेशन का सिस्टम कुछ और रहा होगा। पिता के समय में एजुकेशन एक अलग ही था, एजुकेशन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, काफी दूर तक जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन आज जो है देखा जाए तो आसपास काफी सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग्स कई सारे मतलब प्रेजेंट हैं। तो ये जनरेशन गैप होने की वजह से ये पोएटेस यहाँ पर ये बता रही हैं, शायद इसका रीजन ये है, पिता और पुत्र के बीच जो कभी बनती नहीं है, ये जो बन नहीं सकती, इसका मेन रीजन है जनरेशन गैप है। पिता के जमाने में चीजें अलग प्रकार से होती थी, लेकिन आज के जमाने में चीजें अलग प्रकार से होती हैं, तो इस बारे में बताया गया है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए टेक्स्ट क्या है, ये करें, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई डू नॉट, मैं नहीं, है ना, अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं दिस चाइल्ड, इस बच्चे को, यानी कि एक पिता यहाँ पर आकर कह रहे हैं। जैसे यहाँ पोएटेस बता रही है, कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा दृश्य है कि पिता और पुत्र दोनों लोग क्या हैं, बैठे हुए हैं, या घर में सारे लोग हैं, और जहां पर पिता अपने पुत्र को लेकर कह रहे हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूं, दो यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम लोग साथ में रहते हैं, यद्यपि हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जो हैं इस बच्चे को नहीं समझ पाते
पा रहे हैं या नहीं समझ पाते हैं, आखिर इनके बीच अंतर क्या। इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, बरसों से, काफी सालों से, फॉर इयर्स का मतलब बरसों से, काफी सालों से एक ही घर में रह रहे लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आई नो, मुझे पता है नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता है और भी उसके बारे में, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, मतलब जब वो छोटा था तब उसके बारे में तो मैं सब जानता था, लेकिन एक समय के बाद में मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि मैं जो है अपने बेटे के बीच एक रिलेशनशिप कैसे बनाऊं। ये एक तरह से इस पोयम के थ्रू पोएटेस ये बताना चाह रहे हैं कि ये हर फादर और सन के बीच ये गैप रहता है, एक समय के बाद में फादर और सन के बीच शायद एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं रह पाता है, एक गैप रहता है ना। यानी कि वो पुत्र से बहुत खास कुछ चीजें पूछ नहीं सकता है, या जो बेटा है वो पिता से सारी चीजें शेयर नहीं कर सकता है, हो सकता है कुछ डर हो या हो सकता है कुछ और रीजन हो, कहीं ना कहीं गैप एक बना रहता है। आप लोग भी देखे होंगे जनरली जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं सबसे ज्यादा अगर डरते हैं तो किससे डरते हैं, पिता से डरते हैं, और इस चक्कर में वो कई सारी चीजें होते हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं, और जब बाद में कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाती तब सब सामने आता है। कोई चीज ही वाज व्हेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड, है ना, जब वो छोटा था, देखिए जब वो छोटा था तब जो है, देखो येट फिर भी हैव आई किल्ड, क्या मैं उसे मारता पीटता था, जब वो छोटा था, है ना, जब वो छोटा था तब उतना तो गैप नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे गैप बनता चला गया, जबकि अब बड़े होने पर एक पिता बेटे को बहुत खास बोलता भी नहीं, फिर भी गैप क्यों होता जा रहा है, ये चीज यहां पर क्वेश्चन। इसका हिंदी भी दिया गया, आप देख सकते हैं, यद्यपि हम दोनों एक ही घर में वर्षों से इकट्ठे रह रहे हैं, मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाया, नहीं समझ सका, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उसके साथ अपना संबंध उसी आधार पर बनाने का प्रयत्न करूंगा, है ना, जैसे कि वह तब था जब वो छोटा था, मतलब जब वो छोटा था तब तो वो सारी बातें शेयर करता था, कुछ भी चीजें होती थी हमारे उनके बीच में काफी, मतलब यहाँ एक पिता की आवाज में पोएटेस कह रही हैं कि पिता और पुत्र के बीच काफी रिलेशनशिप होता था, लेकिन अब यहाँ पिता कह रहा है कि मैं अब उसी तरह से उसके बीच यानी अपने बेटे के बीच रिलेशनशिप संबंध बनाना चाहूंगा जैसे कि बचपन में हुआ करता था, जिस तरीके से मैं और मेरा बेटा आराम से खेलते थे, सारी चीजें शेयर करते थे उस तरीके से। अब सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, समझ में आ रहा है सबको, बोलो भाई क्लियर हो रहा है ना, या और अच्छे से एक्सप्लेन करूं इसको, आई होप इतना इनफ है, क्यों भैया। चलिए आगे देखते हैं, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वर, ये करें सीड मतलब वो बीज, आई जिसको स्पेंड मैंने बेकार कर दिया, बिता दिया, व्यर्थ कर दिया, सोन इट या सोन मतलब बो दिया, वेयर इट वेयर मतलब जहां भी बो दिया, वो बीज है ना, मैंने जो उसको दिया, इस बीज को जो भी मैंने फल फूल दिया, अर्थात इस नन्हे से बच्चे को जो भी शिक्षा दीक्षा आचरण व्यवहार ये सब दी गई, क्या वो सारी चीजें व्यर्थ हो गई। आगे द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, क्या वो सारी चीजें बेकार गई, और द लैंड और वो जो पृथ्वी थी ऑफ हिज वो उसकी थी, नन ऑफ माइन मेरी नहीं थी, मतलब जो उसको शिक्षा दीक्षा हर चीजें परवरिश की गई, क्या वो सारी चीजें व्यर्थ हो गई हैं, है ना। अर्थात यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं, क्या ये बच्चा अब जो है अपने खुद का अलग वो कर लिया, मतलब क्यों नहीं, जैसे मैंने एक हर पिता का सपना रहता उसका बेटा, उसका एक उसके लिए एक प्राउड फील करवाई, है ना, उसका बेटा है उसकी बेटी, उसके लिए एक प्राउड फील करवाए, तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए, बी स्पीक, हम बोलते हैं लाइक स्ट्रेंजर्स, और हम साथ में रहते हुए एक दूसरे से अजनबियों की तरह बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों की तरह बातें करते हैं, साथ में रहते हैं बरसों से, मतलब इस नन्हे से बीज, इस नन्हे से बच्चे को जो पालन पोषण परवरिश में शिक्षा दीक्षा आचरण व्यवहार दिया गया, क्या वो सारी चीजें व्यर्थ हो गई,
ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम तो भाई एक दूसरे से जब बातें भी करते हैं तो एक अजनबियों की तरह बातें करते हैं। जब काम लगता है तभी बात करते हैं, जब काम लगता है तब बेटा जाकर किससे, पापा से, पापा ये काम है, उसके पहले वो फालतू की बातें या बचपन की जैसे एक होता था ना, वैसी चीजें रही नहीं गई। तो कह रहे हैं क्या सारी चीजें परवरिश सारी बेकार गई, व्यर्थ गई। आगे देयर इज नो साइन, कोई भी हम लोग के बीच में साथ में तो रह रहे हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं, देयर इज नो साइन, कोई एक साइन भी नहीं, कोई सिंबल भी नहीं है, कोई मेल मिलाप का वार्तालाप ही नहीं है ना। एकदम जब भी बातें करते हैं तो मतलब से उसके एकदम गैप बनता चला जा रहा है। आगे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और ये गैप किसका है, ये गैप है समझ का, वो हमें नहीं समझ पा रहा है, मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं, आखिर क्या अंतर है। तो पोएटिस यहां पर ये बताना चाह रहे हैं इन सबके बीच अगर कुछ अंतर आ रहा है तो जनरेशन गैप का अंतर है। कुछ चीजें हैं कि बेटा डर के वजह से नहीं कह पा रहा है, और कुछ चीजें हैं पिता बहुत खास ध्यान नहीं दे रहा। आगे देखिए, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, ये बच्चा है ना, ये बच्चा जो कि बना है टू माई डिजाइन, जो कि मेरी ही डिजाइन का, यानी कि ये बच्चा जो कि मेरा है, ये व्हाट ही लव्स आई कांट शेयर, यद्यपि है ना, ये बच्चा जो कि मेरे मेरे ही डिजाइन का है, मतलब जिसको मैंने अपने अनुसार पाला है, जिसको मैंने जैसा चाहा वैसा शिक्षा दीक्षा परवरिश आचरण व्यवहार दिया, लेकिन ये बच्चा येट फिर भी, इट मींस फिर भी व्हाट ही लव्स, येट भी फिर भी, क्या वो जो उसे चीजें अच्छी लगती हैं, वो जिस चीज से प्रेम करता है, इस बच्चे को जो चीजें पसंद है, आई कांट शेयर, वो मुझसे क्यों नहीं शेयर करता है, या मैं आपस में एक दूसरे की बातें क्यों नहीं शेयर करते हैं, बचपन की तरह क्यों नहीं रहते हैं, जबकि इस बच्चे को, इस नन्हे से बीज को मैंने अपने अनुसार ही तो पालन पोषण आचरण व्यवहार शिक्षा दीक्षा दिया है, लेकिन फिर भी ये बच्चा जो है ये जिस चीजों को चाहता है, जिस चीज से प्रेम करता है, प्यार करता है, उस चीज को क्यों नहीं शेयर करता है, या इस बच्चे को जो चीजें पसंद है वो मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती, वो मुझे क्यों नहीं पसंद है? अगर ये बच्चा चाहता मैं ये कोर्स करूंगा तो वो चीजें मुझे क्यों नहीं समझ में आती। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर इसका ट्रांसलेशन भी दिया गया, आप देख सकते हैं, जब क्या मेरा बीज अर्थात उसकी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ हो गई है, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई है, यह पृथ्वी उसकी थी मेरी नहीं है। हम अनजाने लोगों की तरह बात करते हैं, बिल्कुल अनजान लोगों की तरह, हम दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप का वार्तालाप नहीं है, इस बच्चे को मैंने अपने ढंग से पालन पोषण किया, परंतु जो चीजें इस बच्चे को अच्छी लगती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। दादा के जमाने की चीजें अलग थी, आज के जमाने की चीजें अलग थी, पापा के जमाने की चीजें अलग थी, आज के जमाने की चीजें अलग थी, सेम आपके जमाने की चीजें अलग रहेंगी और आपके बच्चे के जमाने की चीजें भी अलग रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय हर चीज पूरी तरह से चेंज हो रहा है, डिजिटल एजुकेशन, हर चीज पूरी तरह से चेंज हो रहा है, तो वही चीज। आगे देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या है, साइलेंस सराउंड अस, और जब ऐसी बातें होती हैं तो हम लोग के चारों ओर क्या छा जाता है, यहां से देख लो, हम लोग के चारों ओर क्या छा जाता है, साइलेंस छा जाता है, एकदम से खामोशी छा जाती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, ठीक है, हम लोग आई वुड हैव, और मैं तो यही चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, प्रोडिगल है ना, हिम, मैं तो उसे प्रोडिगल चाहता हूं। प्रोडिगल का मतलब होता है एक वो जो है एक प्रकार से जो मेरा पुत्र है वो प्रोडिगल की तरह, प्रोडिगल का मतलब एक अपव्ययी है ना, जो कि दुनिया के जमाने में खोने से पहले, इस दुनियादारी में खोने से पहले वापस घर लौट आ जाए और हम लोग के बीच एक पहले जैसा संबंध स्थापित हो जाए। आगे देखिए, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो वापस अपने घर लौट आए, एंड द होम ही नो, और वो घर जिसे वो जानता था, वो घर जिसे उसको पता है, बखूबी पता है, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो हिज वर्ल्ड अपनी दुनिया में जाने से पहले, यानी कि दुनिया में अपने तरीके से जीने से पहले वो वापस घर आ जाए और एक घर पर रहकर एक अच्छे से मेल मिलाप जैसे परिवार के लोगों को रहना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर
रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा अगर गैप रहेगा तो एक समय के बाद एक बच्चा पूरी तरह से अपने घर वालों से कट जाता है, उसको घर पर अच्छा ही नहीं लगता है, उसको दुनियादारी में अपनी दुनिया उसकी एक अलग हो जाती है। वही कह रहे हैं आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं, आई वुड फॉरगिव हिम टू, और ऐसा करने के लिए मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, अगर उसने कोई गलतियां भी की है मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा, है ना। और एक दूसरे को वापस घर आ जाए, दुनियादारी में जाने से पहले जो दुनिया में खो गया वहां से निकल कर वापस घर आ जाए, मैं इसके लिए उसकी गलतियों को फॉरगिव भी कर दूंगा, माफ भी कर दूंगा, और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करूंगा। आगे कह रहे हैं, सेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और जब वापस आ जाएगा तो हम सब कुछ छोड़कर, है ना, एक नए प्यार का निर्माण करेंगे, एक नए रिलेशनशिप का निर्माण करेंगे, एक नए तरीके से फादर और सन के बीच एक रिलेशनशिप बनाकर, है ना, कि ताकि दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बातें शेयर करके रहने लगे, प्यार से एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। यहां पर क्लियर, इतना समझ में आया सबको। यहां पर देखिए इसका हिंदी भी दिया गया है, हम खामोशी में घिरे हुए हैं, हम लोग के चारों तरफ एक सराउंड, एक साइलेंस छाया हुआ है, खामोश सा माहौल है, मैं चाहता हूं कि वह अपव्ययी पुत्र की भांति घर लौट आए। अपव्ययी का मतलब व्यय होने से पहले, दुनिया जहान की दुनियादारी में पड़ने से पहले वापस घर लौट आए, और उस घर में जैसे उसे पता है ना कि अपने ढंग से दुनिया में रहे, वापस घर में घर के मिलजुल कर एक फैमिली बॉन्डिंग के साथ रहे, मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा और अपनी व्यथा में से एक नए प्यार का निर्माण करूंगा। मैं कितना भी बिजी लाइफ रहूंगा, कितना भी मैं कैसे भी रहूंगा, लेकिन उसके बीच, फादर और सन के बीच जो रिलेशनशिप होना चाहिए उस तरह से रहते हुए एक नए जीवन का, एक नए प्यार स्नेह से जिंदगी शुरू करूंगा। फादर एंड सन। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, मतलब ये एक पिता जो है ना, पोएटेस कह रहे हैं कि एक पिता कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता पुत्र के बीच की बातें होती हैं, क्या क्या हो रही है, देखिए, फादर एंड सन बी बोथ मस्ट लिव, ये पिता और पुत्र हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग रिलेशनशिप के साथ रहेंगे, ऑन द सेम ग्लोब, एक ही ग्लोब में, एक ही दुनिया में, एंड सेम लैंड, और एक ही धरती पर रहना है, एक ही दुनिया में, एक ही धरती पर। ये नहीं कि बेटा अपनी दुनिया में उसका एक अलग राग रंग रूप रंगत संगत चल रहा है और पिता का अलग चल रहा है, ऐसा नहीं। ये करें हम लोग को, अब पिता और पुत्र को, हम सबको एक ही साथ रहना चाहिए और बिल्कुल एक ही ग्लोब में, एक ही दुनिया में रहना है, एक ही धरती पर रहना है, एक ही घर में रहना है। ही स्पीक्स, वो आगे कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं समझ सकता, मैं खुद को नहीं समझ सकता हूं, आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता हूं माई सेल्फ, मैं खुद को, जब मैं अपने आप को नहीं समझ सकता हूं या समझ सकता, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, तो जो है ग्रीप मतलब दुख दर्द, तो मेरे पास जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख दर्द है, वहां से क्रोध क्यों पैदा होता है, मैं अपने आप से ही जो टेंशन है या कोई भी चीज समस्याएं हैं वहां से गुस्सा क्यों आता है, जब मैं अपने आप को नहीं समझ सकता। आगे कह रहे हैं, बी ईच पुट आउट एन एनिमी हैंड, और हम और हमारा बेटा, हम लोग तो एक दूसरे को एक प्रकार से एक एम्प्टी हैंड, है ना, एक प्रकार से एक दूसरे को जो है छोड़ दिए हैं, बिल्कुल एम्प्टी हैंड की तरह एक दूसरे का हाथ ही छोड़ दिए हैं, बिल्कुल एक दूसरे का हाथ खाली कर दिए, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और जो है अब एक दूसरे को जो है क्षमा करने की या क्षमा मांगने की जरूरत है, तभी रिलेशनशिप पिता और पुत्र के बीच में अच्छा हो सकता है, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच रिलेशनशिप अच्छा ना होने से ही शायद पुत्र जो है गलत रास्ते पर चला जाता है और बाद में समझ में आता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, समझ में आया। तो यहां पर फादर टू सन के बीच की बात को इन्होंने, यानी कि राइटर कौन है इनकी, एलिजाबेथ जेनिंग्स ने बताया है। तो यही है जो पोएट का काम होता है ना, अपनी पोयम के थ्रू, अपनी वर्क्स के थ्रू एक सोसाइटी को मैसेज देना। यहां पर एक मैसेज दिया जा रहा है, पिता और पुत्र के बीच जो जनरेशन
गैप हो गया, जनरेशन गैप की वजह से जो दूरी हो गई है वो दूरी नहीं रहना चाहिए। पिता का भी फर्ज है कि वो बेटे को समझे, बेटे की सिचुएशन समझे, क्योंकि उसके जमाने में चीजें अलग प्रकार से होती होंगी या होती थी और बेटे के जमाने में चीजें अलग प्रकार से होती हैं। इस चीज जब तक ये पिता नहीं समझेगा तब तक पिता और बेटे के बीच एक जनरेशन गैप बना ही रहेगा। समझ में आया सबको? यहाँ ग्लोजरी दिया गया है, देखिए प्रोडिगल मीन्स होता है अपव्यय, यानी कि बेस्ट फुल ऑफ वंस मीन्स मतलब किसी के साधन में या किसी सुख सुविधाओं में, किसी दूसरे के सुख सुविधा में, किसी दूसरे के संगत में रहना, है ना। और सैपिंग मीन्स होता है बनाना या डिजाइनिंग या मेकिंग, अपने ढंग से पालन पोषण करना। और लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायरिंग, यानी कि इच्छा करना। क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू।